नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौ प्रवेशी छात्र छात्राएं यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम और सीयूटी यूजी वाले अपने रजिस्ट्रेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां मैं खड़ा हूं यहीं प्रांगण में आपको आना है। पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सीनेट हॉल का कैंपस की बिल्डिंग दिख रही है। विश्वविद्यालय में खड़े होकर वीडियो बनाना एक अलग अनुभूति का एहसास करवाता है। और अब सबसे पहले अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सहित ऐसे 12 से 13 कोर्स हैं जिनका एडमिशन सीयूईटी यूजी के माध्यम से होना है। आपने अभी सीयूईटी की परीक्षा दी है, सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सीयूईटी यूजी में सेलेक्ट करने वाले विद्यार्थी का एडमिशन होगा। जिन्होंने सीयूईटी यूजी की परीक्षा दी है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया है वो भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने सीयूईटी नहीं दिया है, 12th पास के बाद उनके लिए भी अब रास्ता कॉलेज में एडमिशन के लिए खुल चुका है। इस तरीके से चीज़ें बहुत साफ और बहुत क्लियर हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। कब से? यानी कि जब आपका 23 अभी लगभग 25 जून के आसपास सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर जब रिजल्ट आ जाएगा फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये सारी सूचना है, ये सारी खबरें हैं, तो आप लोग अभी परेशान मत होइए, सीधे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन का जब फॉर्म आएगा तब हम आपको सूचित कर देंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी 25 जून के बाद ये सारे प्रोसेस होंगे, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।